बट एज एक्टर मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ा रोल है ये, और इससे बड़ा रोल मैं नहीं कर सकता। हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये बहुत ही बड़ी न्यूज चल रही है, क्योंकि बिहार का एक ऐसा एक्टर जो कि अब पूरे भारतवर्ष में अपनी नाम कमा रही है, उसके पीछे बस और कुछ नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम और जय श्री राम का नारा है। जी हाँ दोस्तों, राम प्रिय ये हमारा भारत देश आज खेसारी लाल के ऐसे प्रदर्शन के कारण और ही ज्यादा बिहार को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं पूरा बिहार के लोग, क्योंकि अयोध्या में हो रहे रामलीला में लगातार अपने अच्छे प्रदर्शन से खेसारी लाल ने बहुत ही अच्छा अपना फैन बेस बनाया है राम लला के जितने भी भक्त हैं उनके प्रति। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में चल रहे रामलीला में तमाम छोटे बड़े एक्टर मौजूद थे, उसी में हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसे कलाकार जिनको भोजपुरी इंडस्ट्री का ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है, उन्होंने अपने भव्य और प्रिय प्रदर्शन दिया है दोस्तों रामलीला के किरदार निभाकर। तो क्या कुछ है इस वीडियो में और क्या बोलते हैं रामलीला के गेटअप को लेकर खेसारी लाल, आज आपको सुननी चाहिए। जिस राम ने हमें जन्म दिया, कभी उनके रोल में हमें खड़ा होना पड़ेगा, और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा रोल है इस राम के रूप में, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बड़ा करेक्टर कुछ हो ही नहीं सकता। राम मंदिर का जो व्यवस्था है वो अब बन के तैयार हो चुका है और बहुत ही जल्द उसकी उद्घाटन भी होने वाली है। तो जिन लोगों को राम जी से बहुत ही प्यार है, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार भरी कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि खेसारी लाल को आपने राम जी का गेटअप में किस तरीके से देखा है, क्योंकि एक भोजपुरी कैरेक्टर का एक्टर एक अयोध्या में जाकर ऐसा प्रदर्शन करता है और अपना उपदेश देता है। पहला उपदेश उन्होंने दिया है जो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही खूबसूरत है, तो आप सभी को सुनना चाहिए खेसारी लाल की जुबान से ये उपदेश, जो कि राम लला के बात करता है, राम लला की तरफ बात करता है। तो आप लोग जरूर सुनिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। चलिए सुनते हैं देर न करते हुए खेसारी लाल की ये प्यारी प्यारी बातें। देखिए, धर्म के नाम पे तो राजनीति करना ही नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि धर्म हर आदमी के लिए है, और मुझे लगता है कि धर्म अपने जगह पे है, विकास अपनी जगह पे है, चुनाव अपने जगह पे है, और नेता का वर्चस्व अपनी जगह पे है। तो मुझे लगता है कि आप अपने फायदे के लिए कभी धर्म का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको खेसारी लाल का ये इंटरव्यू, ये उपदेश, ये बातें, जो कि राम के कैरेक्टर में आकर खेसारी लाल बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना उनकी बातों से आप देख सकते हैं, उनके शब्द लड़खड़ा रहे हैं कि कैसी मतलब कोई गलती ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए। वहीं आप अगर आप बात करते हैं जो कि राम जी के ऊपर बनी मूवी थी आदि पुरुष, उसकी बात करते हैं तो उससे काफी ज्यादा खूबसूरत ये एक स्टेटमेंट रहा, क्योंकि एक राम जी का किरदार निभाने में उनकी पैर लड़खड़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके दिमाग में चल रही है बातें कि हमसे कोई अशब्द ना बोला जाए, कोई ऐसा शब्द ना बोला जाए जिससे मुझे बहुत ही खामियाजा भुगतने पड़े। तो राम जी का कैरेक्टर इतना ज्यादा महत्व रखता है और कितना ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर सकता है, वो राम के किरदार में आकर खेसारी लाल ने क्या खूब बोला है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। देखिए, जीवन में राम के विचारधारा पर अगर हर इंसान चल देना तो मुझे लगता है कि वो माँ का सम्मान उतना ही होगा कि एक शब्द 14 बरस का वनवास काट दिया।